गाइज, इसकी इंटेक्शन बोर्ड को बनाने के लिए हम यहाँ पे पाइप का यूज करेंगे, जो बिजली फिटिंग वाला पाइप आता है। ये जो इसका नंबर है 25 MK पाइप है, इसका जो मोटाई है। और इसको क्या करना है कि हमें कटिंग करके और फ्लैट सरफेस पे दाब के और शीट बना लेना है। इसी के साथ हमने जो पीस था उसको कटिंग करके फ्लैट सरफेस पे दाब के और यहाँ शीट बना लिया है। और हमने यहाँ पे कुछ पीसेस भी कटिंग कर लिए हैं, 4 पीस। और जो इसका मेजरमेंट है वो हम आपको दिखाते हैं। तो जो एक साइड है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है जो इसका लंबाई है, और जो इसका चौड़ाई है यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है। इसी के साइज का हमने यहाँ पे 4 पीसेस कटिंग कर लिया है। और जो ये है ये ऊपर साइड में लगने वाला है, तो इसको हमने अभी कटिंग नहीं किया है। और इसके साथ क्या करना है हमें कि यहाँ पे मार्किंग करना है एक सॉकेट, 5 पिन सॉकेट के साइज का, तो हम इस पे तो हमने कर लिया है। इसी के साथ हमें एक और पीस पे इसी साइज का हमें मार्किंग यहाँ पे करना है। करने के लिए ऊपर साइड से हमें यहाँ पे 1.1 सेंटीमीटर पे छोड़ना है, और इसी के साइज यहाँ पे नीचे साइड से भी उतना ही, और साइड साइड से हमें 6 mm छोड़ना है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो हाफ से 1 पॉइंट अधिक हमें छोड़ना है। और एक बॉक्स बना लेना है। हमने दोनों पीसेस को यहाँ पे अंदर साइड से कटिंग कर दिया है और इसको अच्छे से घिस के फिनिशिंग भी कर दिया है। और हमें चाहिए यहाँ पे 5 पिन सॉकेट, जो कि हम 2 पीस यूज करने वाले हैं। 5 पिन यहाँ पे सॉकेट लिखा है, और आपको 2 पीस ले लेना है। इसके साथ हम इस बॉक्स में से निकाल लेते हैं दोनों सॉकेट को, और इसके साथ इन दोनों सॉकेट को हम इसमें लगा करके और मार्किंग कर लेंगे, और मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे होल करेंगे। दोनों पीस अब यहाँ पे सीट है, इसमें होल हो चुका है। और इसके साथ चाहिए हमें इस नट बोल्ट, जो कि 4 पीस है, और इसकी और जो ये सॉकेट है इसको इसमें लगा करके दोनों को और नट बोल्ट से कस देंगे। और हमें और इसके साथ ले लेंगे एक साइड वाला पीस ऑफ सीट, और एक पीस चाहिए हमें 220 वोल्ट फीमेल जैक, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे नीचे साइड में। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं और इसके साइज की कटिंग करके और इसको लगा देंगे। ये यहाँ पे लग चुका है, और इसको हमने ग्लू गन और सुपर ग्लू की मदद से दोनों चिपका दिया है। और इसके साथ हमें 2 पीस होल करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाने वाले हैं। तो ऊपर साइड से हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ के और इस होल को हम कर रहे हैं। और हमें चाहिए 2 पीस LED, जो कि 5 mm की LED है, एक रेड और एक ग्रीन। तो हम यहाँ पे दोनों LED को लगा लेते हैं। दोनों LED को हमने ग्लू गन के मदद चिपका दिया है, और इसके साथ चाहिए हमें 100K का रेजिस्टेंस 2 पीस, और इस LED के रेड वाली पे पॉजिटिव पे जोड़ के और एक पॉइंट पे जोड़ देंगे, और इसको निगेटिव को हम यहाँ पे निगेटिव पे जोड़ देंगे 220 वोल्ट के, और इसमें जो रेजिस्टेंस है 1 पीस उसको पॉजिटिव पे जोड़ देंगे। हमने सारे पीसेस में जिसमें LED लगाया है उसमें भी अच्छी तरह से कनेक्शन हो चुका है, और जो सॉकेट है इसमें नट बोल्ट भी अच्छी तरीके से लग चुका है। इसके साथ हम क्या करेंगे कि अब इसका सब कुछ जोड़ कर एक बॉक्स बना लेंगे। गाइस, हमने तीनों साइड के पीसेस को चिपका दिया है, 2 साइड सॉकेट था और 1 साइड में यहाँ पे प्लग, और यहाँ पे 2 पीस इंडिकेटर, इतने को चिपका दिया हमने इस बेस पे। और इसके साथ हमें चाहिए 1 पीस स्विच, जो कि हम इससे एक सॉकेट को ऑन ऑफ करने वाले हैं और एक को हम डायरेक्ट कर देंगे। और इसके साथ जो ये साइड वाला है पीस ऑफ सीट, इसमें हमने एक ग्रुप कटिंग कर दिया इस स्विच के साइज का, और इसी में इस स्विच को हम लगा देंगे।
गाइस के साथ कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए जो एक सॉकेट का यहाँ पे एल वाला टर्मिनल है उसमें एक रेड कलर का वायर जोड़ देना है, और जो स्विच है स्विच के यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल पे एक वायर जोड़ देंगे, और जो सॉकेट में का वायर जो निकला है प्लस वाला जो स्विच है इसके नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे, और लेंगे एक पीस वायर रेड कलर का और इसके दूसरे सॉकेट के एल वाले पे जोड़ देंगे लाइन पे, और जो ये वायर है इसको हम स्विच के जो ऊपर टर्म पे जो वायर जोड़ा है उसमें जोड़ देंगे, और इस वायर को लेके फीमेल जैक के पॉजिटिव पे जोड़ देंगे, और लेंगे एक पीस वायर और जो ग्रीन कलर के एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट है उस पर जोड़ देंगे, और इसको लेके स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। एक लेंगे ब्लैक कलर का वायर और ग्रीन कलर के एलईडी पे निगेटिव पे जोड़ देंगे, और इस वायर को इस साइड वाले सॉकेट के एंड पे जोड़ देंगे न्यूट्रल पे। गाइज एलईडी में के नेगेटिव वायर को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है एंड पे न्यूट्रल पे, और वहीं से एक और वायर लेकर के हमने दूसरे सॉकेट के भी एंड पे जोड़ दिया है न्यूट्रल पे, और वहीं से एक वायर जो कि हम निकाला है और जो फीमेल जैक का नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, देख सकते हैं आप। तो इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ हम क्या करेंगे कि हम इसको लगा देंगे इसमें और लगा करके चिपका देंगे। गज ये चिपक चुका है। इसके साथ हम इस पे से कटिंग करके इस तरीके से निकाल लेंगे। गज हमने इसको चारों साइड से कटिंग कर दिया है, और गज इसके साथ क्या करना है कि हमें इसको फिनिशिंग कर देना है। गज इसको फिनिशिंग करने से पहले एक पीस ले लेंगे, पीस ऑफ शीट ले लिया है हमने, और इसको इसके ऊपर वाले पोर्शन पे लगा कर और चिपका देंगे। गाइज इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कटिंग करके और सैंड पेपर की मदद से घिस दिया इसको, और फिनिशिंग भी कर दिया अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर को हमने अच्छी तरीके से घिस दिया है और ये स्मूथ हो चुका है, और गाइज आप देख सकते हैं गाइज ये बन के कम्प्लीट भी हो चुका है, और गाइज ये काफ़ी छोटा साइज है और देखने में भी काफ़ी क्यूट सा लग रहा है। तो चले गए इसके हम यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हमने बोर्ड को ले लिया है, और इसके साथ इसका मेल जैक को आपको ले लेना है। तो मेल जैक को हम इसमें लगाते हैं और इसको यहाँ पे, ये लग चुका है, और यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे। रेड कलर की एलईडी जली है तो इसमें यहाँ पे पावर आ चुका है। तो हमने यहाँ पे प्लग ले लिया है और एक होल्डर और एक बल्ब, तो इसको इसमें ला के और जला के आपको हम दिखा देते। तो हमने लगा दिया है और यहाँ स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये यहाँ पे जलने लगा। तो ये स्विच से है और ये डायरेक्ट है, यहाँ पे आप स्विच को देख सकते हैं इस तरीके से हमने लगाया है यहाँ पे ये, और इसके साथ ये है इस साइड वाला जो कि यहाँ पे सेकेंड वाला है जो कि डायरेक्ट है, लगाते ही ऑन हो जाएगा। स्विच से है इधर वाला, और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की एलईडी भी जलती हुई दिख रही है, ब्लिंक करती हुई दिख रही है, लेकिन ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑफ करके आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे ऑफ ये हो चुका है और यहाँ से ऑन, तो यहाँ से इसमें पावर आ चुका है। और हमने ले लिया है ड्रिल मशीन जो कि इसी पे आपको चला कर हम दिखाएंगे। तो जो इसका प्लग है उसको हम इसमें प्लगिंग कर, तो हमने लगा दिया है और यहाँ स्विच को ऑन करते हैं। तो गाइस ये ऑन हो चुका है, हमें पावर आ चुका है, और यहाँ से जो ड्रिल मशीन है वो यहाँ से चलेगी। देख सकते हैं गाइस जो वायर है गाइस थोड़ा सा बड़ा है तो आपको दिख नहीं पा रहा होगा कैमरे में, लेकिन गाइस तभी भी हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वायर हमने इसी में लगाया है। इसके साथ हमने चार्जर भी ले लिया है,
और इसको भी इसमें लगा कर दिखाए थे आपको, तो हमने लगा दिया है और डाटा केवल यहीं पे है और इसके साथ ये फ़ोन है, हमने लगा दिया और रिचार्ज यहाँ पे हो रहा है। इसी के साथ ये बल्ब जो है इसको भी आपको लगा कर दिखा देते हैं कि एक साथ में आप कोई भी दो इसमें अप्लायंस चला सकते हैं लगा करके इजीली, तो हमने लगा दिया और यहाँ पे बल्ब भी अच्छे से ग्लो हो रहा है। गाइस इसकी इंडक्शन बोर्ड में सभी अप्लायंस जो हैं काफ़ी इजी तरीके से चल रहे हैं। और गाइस आप चाहते इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे चार्जर लगा सकते हैं जिससे कि आप फ़ोन चार्ज कर सके इसी में डायरेक्ट डाटा केबल लगा करके। गाइस इसमें जगह नहीं था तो हमने चार्जर ऐड नहीं किया है, नहीं तो आप चाहे तो बड़ा साइज में बना करके चार्जर भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर देना ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।